हमारा दिमाग कमाल का होता है। यह एक जटिल और अद्भुत अंग है जो हमारे शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करता है। सांस लेने से लेकर चलने फिरने, सोचने समझने तक सब कुछ यही कंट्रोल करता है। यह हमारे हर छोटे बड़े काम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। हमारी इंद्रियां, हरकतें और विचार सब दिमाग के ही तोहफे हैं। यह हमें दुनिया को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने में मदद करता है। यह हमारे शरीर का कमांड सेंटर है। यह हर समय हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता रहता है, जैसे कोई पावरफुल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और पूरे शरीर में सिग्नल्स भेजता है। यह हमारे शरीर की हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। दिमाग अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं। यह संचार प्रणाली बहुत ही तेज और प्रभावी होती है। न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस हमेशा बदलते और अडेप्ट करते रहते हैं। यह हमें नई चीजें सीखने और अनुभवों से समायोजित होने में मदद करता है। दिमाग के इसी बदलते और ढलते रहने की ताकत को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यह हमें जीवन भर सीखने और विकास करने की क्षमता प्रदान करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, यह हमेशा बदलता रहता है। जैसे कसरत से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही इस्तेमाल करने से हमारा दिमाग भी तेज होता है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। सीखने और याद रखने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी जरूरी है। यह हमें नए हालात में ढलने, नए हुनर सीखने और चोट से उबरने में मदद करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी दो तरह की होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की वो ताकत जिससे वो खराब हिस्से का काम सही हिस्से को दे देता है। ये ब्रेन इंजरी से ठीक होने के लिए जरूरी है। मान लो स्ट्रोक से दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया तो बाकी हिस्से उस खराब हिस्से का काम संभाल लेते हैं। इसीलिए स्ट्रोक के बाद लोग कुछ एबिलिटीज वापस पा लेते हैं। सेक्शन 4, स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी, सीखना और बढ़ना। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी या संरचनात्मक न्यूरोप्लास्टिसिटी एक अद्भुत प्रक्रिया है। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की वो ताकत जिससे वो सीखने और एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी बनावट बदल लेता है। ये प्रक्रिया हमें नई चीजें सीखने और अनुभवों के अनुसार खुद को ढालने में मदद करती है। इसमें नए न्यूरॉन्स का बनना, नए सिनेप्सिस का बनना और ब्रेन सेल्स का आपस में जुड़ना शामिल है। ये सब मिलकर हमारे दिमाग को और भी सक्षम बनाते हैं, या पुराने सिनेप्सिस का मजबूत होना शामिल है। जब पुराने सिनेप्सिस मजबूत होते हैं तो हमारी याददाश्त और कौशल में सुधार होता है। जब हम कोई नया हुनर सीखते हैं, जैसे कोई बाजा बजाना, तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। यह कनेक्शंस हमें उस हुनर में माहिर बनाते हैं। तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो उस हुनर से जुड़ा है असल में बड़ा हो जाता है। यह एनलार्जमेंट हमें और भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग उन हिस्सों में नए कनेक्शंस बना रहा है। यह नए कनेक्शंस हमारे दिमाग को और भी फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव बनाते हैं और पुराने वाले मजबूत कर रहा है। यह प्रक्रिया हमें जीवन भर सीखने और बढ़ने में मदद करती है, जिससे हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। सेक्शन 5, अपने दिमाग को जवान रखें, जिंदगी भर सीखते रहें। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आपको नए अनुभवों और ज्ञान से भी समृद्ध करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। यह हमारे दिमाग की क्षमता है कि वह नए न्यूरल कनेक्शंस बना सके और खुद को बदल सके। हमारा दिमाग जिंदगी भर बदलता और ढलता रहता है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। हम अपने दिमाग को जितना चैलेंज करेंगे वो उतना ही अडेप्टेबल और रेजिलिएंट बनेगा। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। दिमाग को ठीक रखने और ब्रेन हेल्थ के लिए जिंदगी भर सीखते रहना जरूरी है। यह न केवल आपकी मेमोरी को बेहतर बनाता है, बल्कि कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी रोकता है। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होकर जो हमारे दिमाग को चैलेंज करें, जैसे कोई नई भाषा सीखना, हम अपने कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। बाजा बजाना या पजल्स हल करना, ये सभी एक्टिविटीज हमारे दिमाग को एक्टिव और शार्प रखते हैं।
हम अपने दिमाग को तेज और अडेप्टेबल रख सकते हैं। यह हमें नई चीजें सीखने और समझने में मदद करता है। याद रखें, पुराने दिमाग को नए हुनर सिखाने में कभी देर नहीं होती। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, सीखने की कोई सीमा नहीं होती।